My dear student, welcome to Guru Nanak Academy. Class start now. आज जो हमें पढ़ना है वह हिंदी व्याकरण का 21वां चैप्टर संधि पढ़ना था। उस संधि का हमें आज अभ्यास करना है। इससे पिछले हम लोग 4 लेक्चर में संधि के बारे में जाने कि संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, संधि की भी स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, फिर विषयक संधि क्या है। स्वर संधि के भी भेद हम लोगों ने पढ़ा, स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, फिर व्यंजन संधि के जो रूल हैं, विषयक संधि का रूल, उनको हम लोगों ने 4 लेक्चर में पढ़ लिया। आज जो हमें पढ़ना है वह उस संधि चैप्टर का अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है। तो देखते हैं जो पहला है उसमें क्या कह रहा है। पहला दिया उपयुक्त संधि पर सही का निशान लगाइए। पहला दिया आसी धनवाद, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से सही पे लगाना है। तो क का होगा आशीर्वाद, क्या बनेगा हमारा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आसी धनवाद बराबर आशीर्वाद। ख है ऊपर धन उक्त, का क्या होगा उपरयुक्त, ऊपर धन युक्त का मतलब क्या था उपरयुक्त, ठीक है। ग है, ग इसका देखते हैं ग क्या होता है, सार धन अंश बराबर क्या बोलता है, इसको कह रहा है सार धन अंश बराबर होता है सारांश, सार धन अंश बराबर सारांश। अब घ देखते हैं सुधन उक्ति बराबर क्या होता है, तो सुधन उक्ति बराबर होता है सुक्ति, ठीक है। अब पहला का पांचवा क्या कह रहा है सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त बराबर क्या संधि बनता है, तो बनता है सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, ठीक है। ये पहला था, पहला का 4 ऑप्शन था, 4 का उपयुक्त उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सही संधि पर सही का और गलत संधि पर गलत का निशान लगाएं। कह रहा है कि आपको दिया गया है कि कौन सी संधि सही है, कौन सी संधि गलत है, तो सही पर सही का निशान, गलत पे गलत का निशान लगाना है। तो क है पर धन इच्छा बराबर पर अच्छा, ठीक है, पर धन इच्छा बराबर लिखा है पर अच्छा, लेकिन गलत, ये क्या होगा परीक्षा होगा, इसीलिए क्या है गलत, गलत का निशान लगाएंगे। ख है, ख देखेंगे भाम धन दे, भाम दे तो ये सही है, क्योंकि उ का हुआ है तो इसका दिग हो जाएगा, तो मात्रा सही है तो क्या है सही होगा, तो सही का निशान लगाएंगे। ग है, ग का देखते हैं अभी धन से क्या होता है, बनता है अभिषेक, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा गलत होगा, सेक लग गया है, वह स कठोर स में बदल जाता है, इसलिए यहाँ गलत है, ठीक है। ग है, देखते हैं ग क्या है, वीर धन उपकार, वीर उपकार सही है आपका, यानी दूसरे में जो पहला है वह गलत है, दूसरा, दूसरे का दूसरा सही है, दूसरे का तीसरा गलत है, दूसरे का चौथा हमारा क्या है सही है, ये था प्रश्न। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसका को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के शब्द विच्छेद कीजिए, क्या कहता है नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद, संधि करना है, यानी उसका शब्द विच्छेद दिया गया है, उसका लिखना है जगत धन आनंद, तो हम ऐसे लिखते जाते हैं जगत धन आनंद बराबर जगदानंद, ठीक है, जगदानंद, ठीक है। फिर तत् धन लीन बराबर तरलीन, जो अभी एक दो इसका कर लीजिएगा, तत् धन लीन बराबर तरलीन, ठीक है, ये इसका वाक धनिश, वाक धनिश बराबर जो इसका दूसरा होगा, वाक धनिश बराबर क्या होगा हमारा वागीश। जो चौथा है इसका रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र बराबर होगा इसका रविंद्र, ठीक है। पांचवा होगा
अनुधन इति, अनुधन इति का मतलब होता है अनिमिति, इसका अनिमिति होता है। जो इसका छठा है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि बराबर हमारा होता है सप्तर्ष, ठीक है सप्तर्ष। अब इसका अगला दुर्धंतर, जो अगला है देखते हैं, दुर्धंतर बराबर उसका बनता है दुस्तर, ठीक है। अब अगला देखते हैं ये स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा है इसका बनेगा स्वेच्छा, स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। एक धन एक बराबर क्या बनता है एक है, एक धन एक बराबर एक है। इसका दसवां होगा निधन गुण, निधन गुण बराबर क्या बनता है निर्गुण, ठीक है निर्गुण। ग्रामा देखते हैं क्या है, देवी धन आलय, देवी धन आलय मतलब होता है देवालय। इसका बराबर देखते हैं भाव धन अर्थ है, भाव धन मतलब होता है भवार्थ, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न था, यानी आपका संधि विच्छेद दिया गया था, उसमें क्या किया करना था संधि करना था, तो मैंने प्रत्येक का हमने क्या कर दिया उसका संधि कर दिया। चौथा देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो संधि दिया है, संधि का नाम लिखाना है, संधि करना है और संधि का नाम लिखना है। तो चौथा प्रश्न का हम पहला करते हैं मनोधन बल, मनोधन बल बराबर हमारा क्या होता है मनोबल होता है, और मन है इसलिए क्या हो गया विषय संधि, विषय संधि। राजा धनिंद्र, तो राजा धनिंद्र बराबर क्या होगा राजेंद्र, क्या होगा राजेंद्र होता है और किसका है तो गुण संधि, ठीक है। मैं भेद का भी भेद लिख दिया हूं, गुण संधि का उदाहरण है। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय बराबर होता है पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, और पुस्तकालय किसका है तो दीर्घ संधि का है, इसका उदाहरण है तो दीर्घ संधि। इसका चौथा देखते हैं, पर वीर धन और उचित, वीर धन उचित बराबर वीरुचित, क्या होगा विरोचित, जब विरोचित होगा देख किसका है तो गुण संधि का, गुण संधि। पांचवा इसका देखते हैं परम धन अर्थ, परम धन अर्थ मतलब होता है परमार्थ, और परमार्थ किसका है तो हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अगला देखते हैं इसका प्रकार, कहता है यदि धन है आपके, यदि धन है आपके मतलब यद्यपि, यद्यपि है तो ये किसका है तो यह संधि का। सातवां देखते हैं सुधन आगत है, सुधन आगत है तो मतलब क्या है स्वागत है, और स्वागत है तो ये भी किसका उदाहरण है तो यह संधि का। आठवां है राजन धन आज्ञा, राजन धन आज्ञा बराबर राजनाज्ञा, तो राजन धन आज्ञा और राजनाज्ञा, तो राजनाज्ञा हो गया किसका तो दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि चौथे प्रश्न में था, इतना जिसका आपको संधि विच्छेद दिया गया था उसके आगे उसका संधि बताना था और उस संधि का नाम बताना था कि किस संधि का है, तो मैंने संधि को लिख दिया और संधि का नाम यानी किस संधि का था तो उसका नाम भी लिख दिया। ये चौथा, पांचवा देखा जाए, अब पांचवा प्रश्न देखा जाए, ठीक है पांचवा का हम एक देख लेते हैं। दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, क्या कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का
संधि विच्छेद करना है तो महोदय दिया है, तो महोदय का क्या होगा महाधन उदय, ठीक है। सिर्फ संधि विच्छेद करना था, हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया। और दूसरा दिया पवित्र, तो पवित्र दिया है तो पवित्र का क्या होगा भाई अ आया है ना, तो बोधन इत्र, ठीक है, बोधन इत्र बराबर पवित्र। अगला दिया है हेमेंद्र, क्या दिया है हेमेंद्र, तीसरा है हेमेंद्र है तो इसका होगा हिम धन इंद्र, क्या होगा हेमेंद्र का हेम धन इंद्र बराबर हेमेंद्र नहीं हेम धन इंद्र बराबर। अगला दिया है पूर्वोदय, चौथा इसका देखते हैं पूर्वोदय है, पूर्वोदय का क्या होगा पूर्वधन, क्या होगा पूर्वधन उदय बराबर हमारा क्या होगा पूर्वोदय। सिंधु धर्मी सिंधुर्मी, तो सिंधुर्मी का होगा आपका देखते हैं सिंधुधन उर्मी, ठीक है सिंधुधर उर्मी। अब इसका छठा देखते हैं सिंधुधन उर्मी का, आगे भारतेंदु, तो भारतेंदु का क्या होगा भारत धन हिंदु, भारतेंदु का क्या होगा भारत धन हिंदु। अब आगे देखते हैं इसका पांचवा का ही सातवां क्या है वो देखते हैं, पांचवा का सातवां जो है गायन, तो गायन है तो गायन में आया है तो गय धन अन बराबर गायन। अगला जो दिया गया है आपका संधि राजेश, तो राजेश का क्या होगा, तो राजेश का हमारा होगा राजा धन इस, राजा धन इस बराबर राजेश। लोकत्ति का होता है देखिएगा जो नौवा दिया है, लोकत्ति का मतलब होता है लोकधन उक्ति, लोकधन उक्ति बराबर लोकत्ति। जो दसवां है दसवां देखते हैं नारीश्वर है, तो नारीश्वर का क्या होगा नारी धन ईश्वर हमारा बनेगा नारीश्वर, ये पांचवा था। अब छठा प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न क्या दिया हुआ है, छठा जो प्रश्न है तो रहा है नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों का संधि विच्छेद कीजिए। आप मतलब ये चार चित्र दिए गए हैं और चारों चित्रों को आपको पहचानना है और पहचान कर उसको क्या करना है उसका संधि विच्छेद करना है। तो पहले फिगर में सूर्योदय दिखा रहा है, तो पहला है सूर्योदय, क्या है सूर्योदय है और सूर्योदय का होगा तो क्या होगा सूर्यधन उदय, ये आपका पहला तस्वीर का होगा। और दूसरा तस्वीर देखते हैं क्या दिया है मंदिर, मंदिर दिया है तो मंदिर दिया है तो क्या होगा जैसे मंदिर है तो उसको हम क्या लिखते हैं मंदिर तो कहेंगे नहीं, उसको कहेंगे देवालय, देवालय है तो देवालय का क्या होगा देवधन आलय बराबर देवालय, ठीक है। तीसरा है देखते हैं क्या दिया हुआ है, तीसरा आसमान का है उसमें ऋषि यानी सात तारों का है जिसको हम सप्तर्षि कहते हैं, सप्तर्षि कहते हैं तो उसी को हम यहाँ लिखेंगे सप्तर्षि, जिसको लिखते हैं और इसका क्या हुआ सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि ये होगा तब हमारा बनाएगा सप्तर्षि। अगला फिगर में दिया है
फिगर बनाया गया है और कोई देवता मयूर की स्थिति पर बना है जिसका बहुत बन सकता है, तो मैंने इसका मयूराश्रम बना दिया हूँ। तो आप भी यदि और भी आपसे बनता है तो बना सकते हैं मयूराश्रम। तो मयूराश्रम का क्या होगा भाई, मयूर धन आसन बराबर मयूराश्रम। ठीक है, ये आपका चार फिगर के आधार पे आपका बन गया है। ठीक है, ये छठवां प्रश्न था तस्वीर को देखकर बनाना। अब देखिए सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न में जो इससे पहले जो वीडियो आपको बनाया गया था संधि पर उसी पे आधारित है, परिभाषा से आधारित प्रश्न है। जैसे संधि किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बताया गया है कि दो या दो से मतलब परस्पर दो वर्ण जब आपस में उनका मेल होता है उनमें विकार विकार उत्पन्न होता है, इसी विकार उत्पन्न होने से उनके अर्थ में क्या होता है विशेषता आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है और इससे नए शब्द बनते हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। या ये सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे इसमें से कोई भी उठाएंगे वो हमारा क्या है संधि। जैसे ये देख लीजिए सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, देव धन आलय बराबर देवालय। ठीक है, ये था अपनी सबसाइड का कोई उठा लीजिए वो आपका संधि का उदाहरण। संधि विच्छेद का क्या कहते हैं, यानी संधि शब्दों को उनके मूल रूप में ला देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए संधि है और संधि को सूर्य धन उदय में कर दिए तो मूल रूप में कर दिए तो यही हमारा क्या कहलाएगा संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे वो उदाहरण आप संधि विच्छेद का लिख सकते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के पांच भेद हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखना है, मैंने आपको बताया था स्वर संधि के पांच भेद है कौन है, दीर्घ है गुड़ है वृद्ध है यड़ है आदि है। इनकी परिभाषा लिखते हुए इनका दो दो उदाहरण आपको लिखना है। इसमें देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हूँ जैसे दीर्घ है गुण है यड़ है और दो और बचा है जैसे अयादि है। ठीक, अयादि का उदाहरण आप देख सकते हैं गाय धन अन है। ठीक है, ये अयादि का है। उसके बाद आपका एक और बचता है वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि का इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक, जैसे वृद्धि संधि का यहाँ एक ऐड देख रहे हैं, ये आपका क्या है वृद्धि संधि का है। ठीक, तो आप पुस्तक की सहायता से या लेक्चर की सहायता से वीडियो की सहायता से आप कर सकते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि में अंतर स्पष्ट करेंगे। दीर्घ संधि में अगुण संधि में अंतर क्या है कि दीर्घ संधि में समान वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक, जैसे अ धन अ बराबर आ, ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन गुण संधि में समान वर्ण समान स्वर वर्ण नहीं मिलते हैं, अलग अलग यानी अ या आ के बाद भिन्न कोई स्वर मिलता है। जैसे ई अर्थ में ई आई तो उसका अ हो जाता है यानी उसका गुण हो जाता है, तो ये हमारा गुण है। मतलब आप कह सकते हैं कि दीर्घ संधि में समान स्वर वर्ण मिलते हैं और गुण संधि में समान स्वर वर्ण नहीं मिलते हैं, भिन्न मिलते हैं। यही इन दोनों में क्या है आपका अंतर है। अंतर समझना है तो परिभाषा में देखेंगे और परिभाषा में जो उदाहरण है वो देखेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो सातवां प्रश्न है उसको आपको स्वयं करना है, मैंने आपको बताया भी था। इसलिए सातवां जो प्रश्न है उसको आपको खुद करना है, यानी आप विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ 21 जो चैप्टर संधि का अभ्यास था इसके साथ ही साथ ये आपका समाप्त होता है। थैंक यू क्लास